ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एमसीडी की महासंग्राम में। हमारे साथ तीनों पार्टियों के नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। चलिए रुख करते हैं ऋचा पांडे जी का, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। ऋचा जी, आपके भी कुछ विधायकों ने दल बदल किया है, दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। आपके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि आपके नेता भी कह रहे हैं कि टिकट वितरण में उनका सम्मान नहीं किया, छोड़कर जा रहे हैं। क्या असर पड़ेगा पार्टी की रणनीति पर? हमारी तो सबसे पहले सारी टिकटें वितरण हो चुकी थी और इस वक्त भी सारे नॉमिनेशंस भी हमारे हो चुके हैं, डेफिनेटली औरों के भी हो चुके हैं। तो जो भी लोग असंतुष्ट थे वो उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है और हमारा तो कैंपेन चल रहा है। हमारा कैंपेन अपना पहला चरण भी पूरा कर चुका है, दूसरा चरण हम शुरू कर चुके हैं, तो हमारे लिए ऐसी कोई इशू नहीं है। आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है, कैंपेन कर रही है, लोगों से मिल रही है, दिल्ली में अपनी बात पहुँचा रही है, अपने मुद्दों पर बात कर रही है और चुनाव की तरफ हम रुख करके बहुत अच्छे से सकारात्मक तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने, राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि मतलब ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो शायद वो पूरी तरह से सही चुनाव ना हो और बैलेट से करवाना चाहिए, और ये बयान भी दिया है कि क्यों ना चुनाव को टाल दिया जाए। एक तरफ तैयारियां भी चल रही हैं, उस तरफ दूसरी तरफ संतुष्ट भी नहीं आप लोग। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि लोकतंत्र में अगर एक वोटर विश्वास करके किसी अमुक पार्टी को वोट दे रहा है परंतु वो वोट किसी दूसरी पार्टी को पड़ रहा है, और इसके बहुत सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं। ऐसे केस में एक पार्टी हमारी ही नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने कहा है, इलेक्शन कमीशन से कहा है, रिक्वेस्ट की है कि या तो वीवीपीएटी को लागू किया जाए, जो कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी जो अभी तक लागू नहीं हुई है, या फिर बैलेट पेपर जैसे कि दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं बैलेट पेपर से किया जाए। और ये हमने पंजाब चुनाव के नतीजों के बाद भी हमने रिक्वेस्ट की थी, अगर अभी तक चाहते तो दिल्ली में ये लागू हो सकता था। अगर उसमें समय लगता है इलेक्शन कमीशन को तो हम तो ये भी तैयार हैं कि आप थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दीजिए, इसको पोस्टपोन कीजिए इलेक्शन को, ताकि लोकतंत्र की हत्या ना हो। यहां ऐसा ना हो कि वोटर निकले ही ना ये सोच के कि भाई मैं वोट किसी को भी दूं, पड़ेगा तो कमल पे ही। तो इसके उदाहरण आए हैं पब्लिक डोमेन में, उन उदाहरणों के बाद, उन रीजंस के बाद ही हमने ये रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये तो सब डेमोक्रेसी की बात है ना। यहाँ तो हम डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा भारत देश जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हम बहुत उसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। परंतु अगर मेरे दिल में या आज आप ही के दिल में एक प्रश्न हो जाए कि मैं दे तो रहा हूँ कांग्रेस को या मैं दे तो रहा हूँ आम आदमी पार्टी को वोट परंतु जा कमल को रहा है, तो शायद आप बहुत डिसोल्यूशन हो जाएंगे इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। तो ईवीएम के ऊपर अब संदेह आज से नहीं, 2009 में बीजेपी ने भी उठाया था, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास की कि हाँ इसमें टैम्परिंग हो सकती है। जब हो सकती है तो 2013 के बाद से अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, और अब जब ब्लैंकेट सैफ्रनाइजेशन हो रहा है रिजल्ट्स का तो मन में सवाल उठता है, और उसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रामकिशन जी, संदेह यहाँ पर है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा जी ने कहा कि एक संदेह है, और कहीं ना कहीं मतदाता को जब ये लगेगा कि वो किसी भी पार्टी को वोट दे जा रहा है बीजेपी को, आपकी पार्टी के पास, तो इस संदेह को दूर कैसे किया जाएगा? और अगर ये संदेह रहेगा तो क्या वाकई जो मतदाता होगा निकलेगा, पूरे मन से वोट डाल पाएगा और जो नतीजे आएंगे उनको स्वीकार कर पाएगा? आदरणीय अवस्थी जी, देखिए इन्होंने जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने 67 सीट जीती थी तब इन लोगों ने इस पर ऐतराज नहीं उठाया, और हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और ये उस पर आरोप लगा करके अपनी जो इनकी हार उसको छुपाना चाहते हैं। लेकिन तब ये भी नहीं, और इलेक्शन में तब ये भी नहीं हुआ था ना कि इलेक्शन 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 आप आंधी पार्टी की झाड़ू निकल कर, देखिए ईवीएम मशीन को चालू करने से पहले प्रत्येक पार्टी के एजेंट्स को उसकी वोटिंग करके चेक करवाया जाता है कि आप देख लीजिए इसको, तो उस समय जब आपके इलेक्शन एजेंट बैठते हैं अंदर तो उन्होंने क्या चेक किया? आप हार गए तो इसका मतलब आरोप लगा दो, आप जीत जाओ तो कर जी ठीक है, तो ये तो वही होना किसियारी बिल्ली खंबा नोचे। घनन जी आप क्या कहेंगे, एक बड़ा मुद्दा है, देश 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 भर में लोग इस पर बातें कर रहे हैं। देखिए शरद जी, मैं इसमें पहले ऐड कर दूं कि जो ईवीएम को लेके सवाल खड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर इसका इलेक्शन कमीशन को सामने आके इस पर क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि सवाल जिस तरीके से उठे, अभी आपने देखा जिस तरीके से भिंड में चुनाव हो रहा है, वहां पे जिस तरीके से इलेक्शन जो उनका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उसके सामने दिखाया कि बटन कहीं दब रहा है लेकिन निशान कमल का आ रहा है,
तो निश्चित तौर पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देश में खड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर हम सरकार से नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिमांड करते हैं कि वो आके ईवीएम के बारे में जनता को स्पष्ट करे। लेकिन ईवीएम के बहाना बना के चुनाव से किराला करना ये भी कहीं गलत है, क्योंकि इसी ईवीएम ने आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनाई। यही ईवीएम की मशीन थी जब 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की भी सरकार रही। 10 साल हमने भी ईवीएम के नाम पे चुनाव लड़ा है। आम आदमी पार्टी को भी 70 में से 67 सीटें ईवीएम से मिली थी। तो ईवीएम पे सवाल करना ठीक है, जायज है, लेकिन पूरे सिस्टम को एक तरीके से क्वेश्चन मार्क बनाना यह भी जायज नहीं है। हां, जहां पे संदेह है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ईवीएम का बहाना बना के चुनाव को डिले करने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर चुनाव आज डिक्लेयर हो गए, नॉमिनेशन फाइल हो गए, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमने अपने कैंडिडेट उतार दिए, आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट उतारी है, लेकिन केजरीवाल साहब का यह कहना कि चुनाव को डिले कराया जाए, इससे साफ साफ नजर आता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली नगर निगम चुनावों में अपनी भारी हार नजर आ रही है। और चुनाव में हारने से पहले बहाने खोजना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया है। चलिए, जवाब दे ऋचा जी, ये आपने इनका सवाल सुना होगा जो इन्होंने स्थिति बताई कि क्योंकि डर रहे हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप इस इनके कथन को लॉजिकली भी डिसाइफर करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो ये समझ आएगा कि ये सिर्फ रिटोरिक बोल रहे हैं। क्योंकि हमारी पार्टी ने एक महीने पहले से कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करनी शुरू की दी, इन्होंने तो नॉमिनेशन के दिन इनके सारी की सारी लिस्ट आई है, ताकि इनके पार्टी का जो इंटरनल विस्फोट है वो हाथ से बाहर ना निकल जाए। इसलिए हमारी पार्टी का तो आखिरी लास्ट वीक से पहले ही सारा काम हो चुका था। हम तो तैयार है, हमने तो अपना पहला डोर टू डोर भी पूरा सर्वे हमारा हो गया, डोर टू डोर हो गया हमारा। अब तो हमने हमारी प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज कर ली, हमारी ग्राउंड एक्टिविटीज हो गई, हम तो अपने चुनाव के दूसरे चरण में आ रहे हैं। यहां तो इनके जो कैंडिडेट हैं अभी अपने बैनर पोस्टर नहीं छपवा पाए हैं। तो चुनाव की तैयारी किसकी ज्यादा है? डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की ज्यादा है। आम आदमी पार्टी अगर जिस विद्यार्थी की इम्तिहान के लिए ज्यादा तैयारी होती है वो कॉन्फिडेंट होता है, पर जब उसे ये पता होता है कि जो मशीन मेरा पेपर चेक कर रही है, आजकल तो आपको पता है मेडिकल और आईआईटीज में इलेक्ट्रॉनिक मशीन चेक करती है, जब उसे पता होता है कि क्या मैं गलत लिखूं या सही लिखूं, मेरी रिचा जी आपको एक राय है कि आप मन में डाउट है, सुन लीजिए, अगर मन में करना है, जवाब सुन लीजिए। देखिए, बीच में टोक देने से आपकी असभ्यता दिखती है, आपका इम्पेशेंट दिखता है, तो आप जरा मेरी बात को सुनिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात देश में बात भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में शुरू की थी, 2013 तक जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? आज अगर हम डेमोक्रेसी स्टेक पर है, और एक पार्टी नहीं, अक्रॉस द कंट्री पार्टीज मांग रही हैं कि हमें इलेक्टोरल प्रोसेस रिफॉर्म्स चाहिए, अगर और हम कह रहे हैं कि अगर उसमें समय लगता है तो आप चुनाव टाल दीजिए, हम तो चुनाव कल हो जाए हम तैयार हैं, हमारे घोषणा पत्र तैयार हैं, हमारे सारे मैनिफेस्टो के पॉइंट्स तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जनता के साथ मूव कर रहे हैं। परंतु जनता से ये आवाज आ रही है कि भाई अगर इसमें डाउट है, अगर इतनी पार्टीज पूछ रही हैं, तो आप इसको बैलेट पेपर से क्यों नहीं कर, क्यों डर रहे हैं? आम आदमी पार्टी की तैयारी तो पूरी यहाँ पर दिखाई पड़ी, लेकिन इसके बाद भी संशय की वजह से इसे रोकने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की कितनी तैयारी है, बीजेपी की कितनी तैयारी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी कितनी पुख्ता है और क्या तैयारियों के मामले में आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों से आगे दिखाई पड़ रही है। छोटे से ब्रेक का।